सकते हैं ना। बताइए आपकी मशीन में क्या दिक्कत है? इसका ये टाइमर प्रॉब्लम दे रहा है, चलते चलते रुक जाती है और ये बीप नहीं कर रहा और ट्रायल काम नहीं कर रहा है। हाँ, तो ये कंटिन्यू चलने लगता है। एक ही तरफ चलता है या दोनों तरफ? एक ही तरफ चलता है। ठीक है, स्टार्टिंग में दोनों तरफ चलता है? हाँ, जब स्टार्ट करते हैं तो दोनों तरफ चलता है, उसके बाद नहीं चलता। ठीक है, अब अपन इसको दोनों सेक्शन चेक करते हैं। ये मशीन ऑन किया 15 पे, ये मशीन अभी अपना दोनों तरफ चालू हो गई है। ये क्लॉक वाइज भी चल रही है, एंटी क्लॉक वाइज चल रही है, एंटी क्लॉक भी चल रही है। इसको भी ऑन करके देख लेते हैं, ये हमिंग ले रही है, हमिंग मोटर चल रही है। ये चल रहा, पीछे का बैक कवर खोल लेते हैं। ये जो है, ये ब्रेक चिपक रहे हैं, ये जैसे ये घूम नहीं पा रही है, अपन जैसे ये ब्रेक को रिलीज करेंगे ये घूमने लगेगी। अब अपना मोटर पुली के ऊपर ये नट दिया हुआ है, एक 8 का और एक 10 का, ये खोल के अपन ड्रम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब अपन इस ड्रम को सीधा ऊपर खोल लेंगे। ये है इस, इसका चलता है ये सॉकेट। ठीक है, इसमें कपड़े फंसे हुए, ये अपने निकाल दिया। यहाँ पे ये ग्रीस अप्लाई कर दें, अब ये स्मूथ चलेगी आपकी। कई लोग ऑयल लगा दे तो ऑयल दो वॉश में ऑयल निकल जाता है, इसमें लगा दिया थोड़ा सा, इसके बेलों में लगा दिया। पहले जब भी ये खुलता है तो ये कंपास चेंज किया है, इसमें ये बेलो भी लूज है। देखो, बेलो लूज नहीं होना चाहिए, बेलो क्यों लूज हो रहा है वो भी निकाल के देखते हैं। ये बेलो घूम रहा है जी, ऐसा लूज नहीं होना चाहिए ये। अच्छा, ये घूमना नहीं चाहिए, ये तो बहुत ही आ रहा है। नहीं अब देखो, अपन ने ये लूज हो रहा था बेलो, अपन ने ये निकाला, इसका ये पंजा जो है ये लूज हो गया, घिस गया, जिस वजह से ये बाहर फेंक रहा है। तो आप ये पंजा इसको बदल दें। ठीक है जी सर, अपन इसका पंजा बदल देते हैं। जब ये कट जाएगा तो चू चू की आवाज करेगा, जो मैं आपको बता रहा था अगर लगे हुए में दिक्कत आ रही है, इसको थोड़ा सा उचका के आप यहाँ पे ग्रीस भर सकते हैं। ग्रीसिंग की वजह से ये सॉफ्ट होकर चल रहा है। नया लगाओगे तो हमेशा इसमें पहले ग्रीस अच्छे से लगा दो, लाइफ भी अच्छी बनी रहेगी, मशीन में कंप्लेंट ही नहीं आएगी। ठीक, अपन इसका पंजा चेंज करते हैं। हमारा पुराना पंजा जो खराब हो गया था, हमने ये नया सेट लिया है, अब ये नया सेट अपन लगा रहे हैं। ये कांच में बैठी है, ये खोल लिए, खोलने पर ये अपने इस पे कनेक्शन हटा दिए, ये इसके ब्रेक आ गए, ये इधर अर्थिंग का वायर होगा, इसको भी निकाल लो।
ठीक। अब ये तो आ रहा है, इसको आ जाएगा ये एक, इसको ये तीन शॉक अप में फंसे हुए रहते हैं सर। और क्या समस्या आ रही है इसमें? इसमें इसकी मोटर ओपन हो गई है, मोटर खराब है जी सर। इसकी अपन अभी रेजिस्टेंस भी नाप के देख लिया था। हाँ, एक बार आपको और दिखाते हैं। बचाने के लिए सेफ्टी गार्ड भी लगा हुआ है। इसकी ये सर्किट डायग्राम भी दिया हुआ है, इस पर सर्किट डायग्राम भी दिया हुआ है। अपन इसमें चेक करते हैं, ये कॉमन में एक में लगा दो, ठीक है जी। 78 लगा कौन है? ऑटो में तो बॉडी इम्पीडेंस आ रहा है तुम्हारा, एक में लगा के छोड़ दो। अब देखो ऑटो हो गया खत्म है। रेड में कुछ भी नहीं आ रहा? नहीं सर। अब ब्लू वाले में लगा, डबल 7.7 ठीक है। बताते ये लाल वाली जो है शॉक ओपन, रेड वाली की जो कॉइल है वो क्या हो गई? ओपन हो गई। रेड क्या है अपने स्टार्टिंग में है या रनिंग है? जी स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग आपकी ओपन हो गई है, ठीक है। अब अपन इसका पूरा खोल के अपन मोटर चेक कर लेंगे। अब हमें ये पुली बाहर निकालना है। पुली को बाहर निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, आपने मोटर बाहर निकाल ही लिया। मोटर में अगर आप देखें तो आपको ये रोटर में ब्लेड दिख रहे हैं? हाँ ब्लेड दिख रहे हैं। किसी भी एक ब्लेड को पकड़ लो, पकड़ लो और इसको यहाँ से घुमाते हुए ऊपर निकाल लो। ये आपकी पुली इजीली बाहर आ गई, बिना एफर्ट लगाए। अब ये इसको खोल लो, इसको बाहर निकाल लो।